ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पे एक बहुत ही अच्छा अपडेट है, उसी के बारे में आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट्स में रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रायल्स इंडिया में हुए हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के, तो उस पे क्या नतीजे बाहर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आधार पुणे वाला ने लेटेस्ट क्या अपडेट दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट मिस मत करना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आया। दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ में जो है ना उसके ट्रायल्स 25 सितंबर को स्टार्ट हुए थे और अब तक जो है ना वो 67 पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन लग चुकी है। 95 लोगों का स्क्रीनिंग हुआ था जिसमें से 67 को क्वालिफाई करके वैक्सीन दी गई थी। उसमें से 53 लोगों ने वैक्सीन लेने के बाद 7 दिन का पीरियड कंप्लीट कर लिया है और ये 53 पार्टिसिपेंट्स ने कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड सिम्टम जो है वो शेयर नहीं किया है। तो अब तक इंडिया में जो कोविशील्ड के ट्रायल्स है ना वो अच्छी तरह से चल रहे हैं और कोई भी मेजर इश्यू अब तक सामने नहीं आया। मेजर तो क्या माइनर भी सामने नहीं आया, जो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट थे वही देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब जो है ना वैक्सीन जो अपने निर्धारित समय से लॉन्च हो सकती है। लेकिन जो सेकंड अपडेट है जो आधार पुणे वाला जी ने कहा है वो काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है वो अपनी पेस में दिसंबर में ही लॉन्च होने वाली थी लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट देखने को मिला, उसकी वजह से काफी कंट्रीज में ट्रायल्स अब भी रुके हुए हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, उसी वजह से अब ये प्रोसेस थोड़ी डिले होकर जनवरी तक जाएगी। तो जनवरी 2021 में जो है ना वो कोविशील्ड हमें लॉन्च होती देखने को मिलेगी। आशा रखता हूँ ये दो अपडेट सबसे को पसंद आए होंगे। आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे।